सो गाइस, आज मैं आपको उन रेसलर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और इस वक्त करंट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बताते हैं लेकिन इंट्रो के बाद। नंबर 5 पे है द हेड ऑफ द ट्रेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स, और इनको मैंने इसलिए नंबर 5 पे रखा है क्योंकि आगे जो आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े लेजेंड्स और ख़तरनाक रेसलर हैं। वैसे यह भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इन्होंने 900 दिन प्लस की रेन बनाई है, यूनिवर्सल टाइटल रेन, और ये रेसलमेनिया को हर साल इस दफ़ा मेन इवेंट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेसलर हैं। सो नंबर 4 पे हैं द डेड मैन द लेजेंड अंडरटेकर, और अंडरटेकर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डरावने रेसलर हैं। इनकी एंट्री सुनते ही अच्छे से अच्छे रेसलर भी भाग जाते हैं, और इन्होंने भी अपने प्राइम टाइम में 21 साल तक रेसलमेनिया में ना हारने की स्ट्रीक बनाई थी, और यह भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेसलर हैं। सो नंबर 3 पे आते हैं हमारे द 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना, इन्होंने भी बहुत से बड़े बड़े लेजेंड्स और रेसलर्स को हराया हुआ है, और ये इस वक्त का ऑल टाइम फेवरेट फैन फेवरेट रेसलर हैं WWE में। सो नंबर 2 पे हैं हमारे द आइकन बिल गोल्डबर्ग, और वैसे तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, भाई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इनकी प्राइम टाइम में इन्हें कोई नहीं हरा सकता था, हर रेसलर इनसे डरता है। तो नंबर 1 बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, सबके सब जो के वीडियो देख रहा है। सो नंबर 1 पे हैं हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, वैसे तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि आप कोई गलत फहमी में ना रहें, ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेसलर है, उन्होंने रोमन रिंग्स अंडरटेकर जैसे रेसलमेनिया की स्ट्रीक भी तोड़ी है, इन्होंने प्रम टाइम में भी कोई इन्हें नहीं हरा सकता था, ये बहुत ज़्यादा अनडिफेटेबल थे रेसलर। इस वक्त भले ही WWE इनका कचरा कर रही है लेकिन ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा पावरफुल रेसलर है।